चीन से बहुत बड़ी खबर आई जब वहां के वुहान में एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। ये वही वुहान है जहां से कोरोना वायरस सबसे पहले मिला था, और अब जब पूरी दुनिया कोरोना को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है, तब चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ने एक बार फिर वुहान में ताले जड़ दिए। जबकि वहां केवल 4 मरीजों में कोरोना वायरस मिला। रूटीन टेस्टिंग के दौरान पहले 2 लोगों में कोरोना वायरस मिला, और जब जांच आगे बढ़ी तो 2 और लोगों में कोरोना वायरस मिल गया। चारों लोग पूरी तरह तंदुरुस्त हैं और उनमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उनका इलाज करने से ज्यादा ध्यान चीन का लॉकडाउन लगाने पर है। चीन की अर्थव्यवस्था पहले ही मंदी के मुहाने पर खड़ी है। रियल एस्टेट तो वहां डूब ही चुका है, विदेशी निवेश भी आना लगभग बंद है। कई संस्थाएं दावा कर चुकी हैं कि चीन की इसी जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से बड़े बड़े उद्योगों को झटका लगा है। विदेशी कंपनियों ने चीन में आना तो दूर, चीन की तरफ देखना भी बंद कर दिया है। लेकिन चीन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा। वहां एक बार फिर वुहान में लॉकडाउन लगाए जाने से साफ है कि वो अपनी जीरो कोविड पॉलिसी से पीछे हटने वाला नहीं है। खबर है कि वुहान के जिस हिस्से में लॉकडाउन लगाया गया है वहां करीब 10। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। 10 लाख की आबादी रहती है, लेकिन उन सभी के लिए आने वाले दिन अब मुश्किल होने वाले। 10 लाख लोगों पर सख्त लॉकडाउन लगाने की वजह केवल 4 मरीज हैं, और वो चारों मरीज ऐसे हैं जिनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। चीन में लॉकडाउन इतना सख्त है कि 3 दिन में लोगों को केवल एक बार घर से निकलने की इजाजत होती है ताकि जरूरी सामान खरीदा जा सके। वहां के सोशल मीडिया पर लोग अपनी मुसीबतें सुना सुना कर थक जाते हैं, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं होता। ऊपर से किसी नागरिक ने जरा भी लापरवाही की या किसी नियम को तोड़ने की कोशिश की तो उसे सीधा जेलों में डालने का नियम है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में चीन की आलोचना हो चुकी है। बीजिंग में फरवरी में हुए विंटर ओलंपिक्स में दुनिया भर के खिलाड़ियों को चीन के सख्त नियमों की वजह से परेशान होना पड़ा था। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान लोगों के साथ हुई ज्यादती के वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं। लेकिन चीन है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले महीने ही शंघाई से लॉकडाउन हटाया गया। 2 महीने से शंघाई के 2.5 करोड़ लोग सख्त लॉकडाउन में रहे। अब तो हालत यह है कि उद्योगपति जो चीन में भारी भरकम निवेश करते रहे हैं, वो भी चीन से निकलने की योजना बना रहे हैं। इसी का असर अब चीन की अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखने लगा है।